बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से हैं? रऊफ अज़ल अज़ीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। वेलकम टू अज़ीम 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल अज़ीम 27 राव को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिल सके। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं ओमान के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। आज जो ओमान स्प्रिंग कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ मस्कत के अंदर, और इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से और दीगर मिनिस्टर्स की तरफ से कोरोना वायरस को लेके और रमज़ान को लेके कुछ एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात की गई है। और इसके अलावा आप लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल मेरे पास आ रहा है, जो कि ओमान ऑब्जर्वर्स के अंदर एक आर्टिकल शाया किया गया है वीजा को लेकर। आप लोग देख सकते हैं ओमान ऑब्जर्वर्स के अंदर ये आर्टिकल शाया किया गया है। इस आर्टिकल के मुताबिक आरओपी की तरफ से बताया गया है कि जिनके पास वैलिड वीजा है और जिनके पास वैलिड टिकट है, वो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर एंट्री कर सकते हैं। आप लोगों के सवाल आ रहे कि जी भाई इससे क्या मुराद है, तो भाई सीधा अल्फाज में बताया गया है कि जिनके पास वैलिड वीजा मौजूद है वो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर एंट्री कर सकते हैं। मजीद आप लोगों के अब ये सवालात आ रहे हैं कि जी भाई हमारे पास वीजा वैलिड मौजूद है, विजिट वीजा, एक्सप्रेस वीजा, तो भाई इस हवाले से आप लोगों को बता दें अभी तक ये खबर इस तरह अधूरी है। सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि जिनके पास वैलिड वीजा वो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसके हवाले से जैसे ही जो पूरी अपडेट्स आए कि इंशाल्लाह वैसे इंशाल्लाह अपने प्यारे मुशाहिदीन के साथ शेयर करेंगे। तो अपडेट शुरू करते हैं ओमान स्प्रिंग कमेटी के इजलास के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर ये स्टेटमेंट शाया की गई है ओमान स्प्रिंग कमेटी के इजलास के हवाले से, और आज जो ओमान स्प्रिंग कमेटी के जरिए 12 पॉइंट्स बताए गए हैं, 12 चीजों पर बात की गई है, और इनकी पूरी तफसीलात क्या है आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं ओमान स्प्रिंग कमेटी के जरिए सबसे पहले ये बताया गया है कि ये जो कोरोना वायरस की वबा है वो बहुत ही खतरनाक बोर्ड पे जो है कन्वर्ट हो चुकी है। जी आप लोग देख सकते हैं जो ये कोरोना वायरस है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंचा हुआ है सल्तनत के अंदर, ये ओमान स्प्रिंग कमेटी के जरिए बताया गया है। दूसरे नंबर पे आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया है कि जो वैक्सीन का अमल जो रुका हुआ है, बहुत ज्यादा लोगों को लगनी चाहिए थी उस तरह लोगों को नहीं लगी, इसका कोई लेना देना नहीं है पैसों से लेके, यानी कि रकम को लेके कोई लेना देना नहीं है। जलालत सुल्तान सुल्तान हैतम बिन तारिक की तरफ से तमाम जो वैक्सीन को लेके अखराजात है वो मुहैया किए जा रहे हैं। चौथा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा अहम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि लोगों की अफवाहों की वजह से जो वैक्सीन का अमल है वो रुका हुआ है, और जब ये वैक्सीन का अमल रुका हुआ है और जिन लोगों ने ये जो यूमर्स की खबरों के ऊपर कान रख के कोरोना वायरस की वैक्सीन को नहीं लगवाया उनके इंतहाई निगहदाश्त के बाद इंतकाल हो गए हैं। पांचवें नंबर पे आप लोग देख सकते हैं वजारत सेहत की तरफ से बताया गया है कि इस वक्त सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 751 ऐसे मरीज है जो कि हॉस्पिटलाइज किए गए हैं, 234 मरीज ऐसे जो कि ICU में। जब से कोरोना वायरस की वबा शुरू हुई है उस वक्त से लेकर इस वक्त तक के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि हाई लेवल पे ये मरीज हॉस्पिटलाइज हैं और ICU में भी हाई लेवल पे ये मरीज हॉस्पिटलाइज हैं। छठे नंबर पे आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि जब वैक्सीन का अमल मुकम्मल हो जाएगा तभी जो है तालीमी साल का आगाज किया जाएगा। सातवें पॉइंट पे आप लोग देख सकते हैं वजारत इत्तलात की तरफ से बताया गया कि हमारे पास अब कोई और चारा नहीं है, जिस तरह एहतियाती तदाबीर के मुताबिक जिंदगी गुजर रही है उसी तरह अपनी जिंदगी को गुजारें, क्योंकि इस आलमी वबा से काफी सारी जाने जा चुकी है आप लोग देख सकते हैं। आठवां पॉइंट आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा अहम है, वजारत तिजारत की तरफ से बताया गया है कि रमजान मुबारक के महीने के अंदर जो रात का लॉकडाउन लगेगा, रात 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का, इस दौरान कुछ ऐसी सरगर्मियां हैं जिनके अंदर हम लोग छूट देंगे, वो उनके ऊपर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि जो 3 टन से ऊपर के जो ट्रक हैं, यानी कि जो 3 टन से जो ऊपर की जो तमाम जो ट्रक सर्विसेज हैं वो इसी तरह बहाल रहेंगी। इसके अलावा जो फार्मेसीज वगैरह ओपन रहेंगी, इसके अलावा जो सेहत में कारकनों की जो तमाम चीजें हैं वो ओपन रहेंगी, और इसके अलावा जो मीडिया सेक्टर है जो रिपोर्टिंग का वो तमाम ओपन रहेगा। दसवें नंबर पे आप लोग देख सकते हैं आरओपी की तरफ से बताया गया कि अगर कोई ओमान स्प्रिंग कमेटी के रूल्स और रेगुलेशंस को ब्रेक करता है हर सिटीजन और रेजिडेंस के ऊपर है कि वो लाजमी कॉल करे आरओपी को 1099 पर। ग्यारहवें नंबर पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा अहम वजारत इत्तलात की तरफ से बताया गया कि अगर रमजान और मुबारक के महीने के अंदर कोरोना वायरस की वबा के ऊपर काबू पा लिया जाता है, ये जो लॉकडाउन वगैरह हम लोग लगा रहे हैं इसके अंदर हम लोग नरमी कर सकते हैं। अगर कोरोना वायरस की वबा के ऊपर हम लोग काबू नहीं पाते हैं, अगर केसेस की तादाद हाई होती है तो हम इसके अंदर सख्तियां भी कर सकते हैं। बारहवें नंबर पे आप लोग देख सकते हैं वजारत इत्तलात की तरफ से बताया गया कि अगर हम लोग ये एहतियाती तदाबीर ना करें, मिसाल के तौर पे ये लॉकडाउन वगैरह ना लगाएं, ये जो केसेस की तादाद है वो डबल हो जाए, इसलिए हमें जो है तमाम एहतियाती तदाबीर करनी पड़ती है। तो ये तमाम आज कोरोना वायरस को लेकर आज जो मीटिंग की गई है ओमान स्प्रिंग कमेटी के जरिए, और ये आज की फुल अपडेट थी ओमान स्प्रिंग कमेटी के इजलास के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। रऊफ अज़ल अज़ीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।